नमस्कार, आप देख रहे यूनिवर्सल न्यूज। मथुरा के थाना बरसाना क्षेत्र में कल गाड़ी में मिले दो अज्ञात शव की सूचना से सनसनी फैल गई। जी हाँ, पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, जहाँ सूचना पाकर हरियाणा के थाना हथीन गाँव मिड़कोला के दर्जनों ग्रामीण मथुरा के थाना सदर क्षेत्र स्थित पोस्टमार्टम पहुंचे, जहाँ उन्होंने दोनों शवों को देखकर पहचान करने की कोशिश की, लेकिन दोनों शव इतनी बुरी तरह से जले हुए हैं कि उनकी पहचान करना आसान नहीं है। जबकि हरियाणा से आए सभी लोगों ने गाड़ी के नंबर से गाड़ी को तो पहचान कर ली है, लेकिन गाड़ी के अंदर मिले शव को अभी तक कोई पहचान नहीं सका है, जिसकी सूचना पर हरियाणा पुलिस भी मथुरा पोस्टमार्टम जांच के लिए पहुंची। इस संबंध में जानकारी देते हुए शिनाख्त के लिए आए ग्रामीणों ने बताया कि थाना हथीन के गाँव में मिड़कोला पर चार लोग 6 फरवरी से गायब है, जिनका नाम लाला राम कुमार पाल रोहतासवा लेखन है, जो कि सभी लोग एको गाड़ी में बैठकर आए हुए थे। घटना स्थल पर मिली गाड़ी का नंबर से शिनाख्त कर ली गई, लेकिन गाड़ी के अंदर मिले शव को पहचानना मुश्किल हो रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा से आई पुलिस के DSP सुरेश कुमार ने बताया कि गाड़ी के अंदर बरामद हुए शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही, जिनका DNA कराने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल पर DSP ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह कोई प्लान लग रहा है, संभवतः इनकी हत्या कर दी गई, सारे तथ्य जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच गंभीरता से जुटी हुई है। देव सिंह जी, कहां से आए और क्या है पूरा घटनाक्रम? सर, हम पलवल से आए हैं, ग्राम मिड़कोला है, जिला पलवल है, हरियाणा के रहने वाले जी। हमारे चार बच्चे परसों शाम से लापता जी, और उनके हमें पता चली भाई हाँ गाड़ी नंबर ये है बरसाना थाने से। हमने जाके थाने में पता करी, वहाँ उन्होंने चौकी में गाड़ी खड़ी कर रखी अपनी, और ये नंबर जो हमारी गाड़ी का था वही नंबर था। अच्छा, उसमें दो डेड बॉडी मिली है हमें। अच्छा, लेकिन वो हमारी शिनाख्त कल करीब 2 बजे एक कंप्लेंट आई थी रोहतास और लाला राम की गुमशुद के लिए। हमने 340 IPC का मुकदमा दर्ज कर दिया, और कल ये डेड बॉडी यहाँ 2 मिली बरसाना के पास। कल भी आए थे, आज भी देख के आए, लेकिन अभी जो इनके वारिस हैं बाद में पता लगे 2 आदमी और वहाँ से गाँव से गायब हैं। अभी डेड बॉडी कोई शिनाख्त, कोई भी किसी का वारिस कोई शिनाख्त नहीं कर, जैसे शिनाख्त होगी फिर पोस्टमार्टम होगा उसके बाद।